रामपुर जिलाधिकारी अंजनय कुमार सिंह ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। जहां रामपुर जिलाधिकारी अंजनय कुमार सिंह कई बार जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर चुके हैं ताकि मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो पाए और मरीजों को हर तरह की सुविधाएं और जिला चिकित्सालय की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। वहीं सफाई व्यवस्था और संपूर्ण उपचार मरीजों को दिलाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं ताकि रामपुर की गरीब जनता को इलाज के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ही ना हो। बात करें उपचार की तो उसमें सुधार आया है और वहीं ठंड के चलते रैन बसेरे में भी बेहतर इंतजाम किया गया। वहीं महिलाओं की व्यवस्था को देखते हुए महिला रैन बसेरा अलग और पुरुष रैन बसेरा अलग बनाया गया है। वहीं एक बार फिर व्यवस्थाओं में कितना सुधार हुआ है उसको देखने के लिए रामपुर जिलाधिकारी अंजनय कुमार सिंह ने आज एक बार फिर रामपुर जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और इमरजेंसी से लेकर महिला सर्जिकल वार्ड, चाइल्ड वार्ड, ऑर्थो वार्ड, टीवी वार्ड और रैन बसेरा एवं सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए, निरीक्षण किया गया था, पीछे काफ़ी कमियां पाई गई थी, उसको बारी बारी से कई बार निरीक्षण करके उसको दूर करने की कोशिश की गई। आज मैंने देखा साफ़ सफाई ठीक थी, पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर थी। कुछ जगहों पे अभी भी बेहतर करने की ज़रूरत है। रैन बसेरा यहाँ पे है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यहाँ पे रैन बसेरा बहुत बेहतर होना चाहिए। रैन बसेरा की स्थिति ठीक है, वहाँ पे कुछ एक कमियाँ हैं जिसको कल ठीक कराया जाएगा। अभी मैंने निर्देश दे दिए हैं कि उसको तुरंत ठीक कराया जाए, पर पहले से काफ़ी संतोषजनक और काफ़ी बेहतर यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था अंदर की पाएगी। बाहर की कुछ दिक्कतें हैं उसके बारे में अभी बताया गया और बाहर की दिक्कतें भी ठीक करेंगे। जैसे लोगों के आवागमन को अनुशासित तरीके से करना, यहाँ पे जो अनावश्यक रूप से बाहरी लोग आते हैं जिनके कारण अक्सर हॉस्पिटल से शिकायतें आती रहती हैं, आज भी आ रही हैं, उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना होगा हमें और उसका उपाय हम निश्चित रूप से करेंगे। आज मैंने उनकी कमियों को देखा है और उसको बहुत जल्दी इसका भी निराकरण कर